नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है सचिन गवली। स्वागत करता हूं मैं हमारे YouTube चैनल हाईटेक ई शॉप में। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे मोस्ट अफोर्डेबल A3 साइज फोटोकॉपियर मशीन HP LaserJet M436NDA प्रिंट स्कैन कॉपी A3 साइज नेटवर्क। चलिए देखते हैं मशीन कैसी है। चलिए देखते हैं आज इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिला। एक इसके अंदर USB केबल, ये इसका ड्राइवर CD, ये यूजर गाइड, पावर केबल और ये है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट टोनर कार्टेज। इसी का टोनर कार्टेज इसके अंदर इसका ड्रम यूनिट, इसको डीपी यूनिट बोलते हैं, इमेजिंग यूनिट बोलते हैं। इमेजिंग यूनिट इसके अंदर है और ये इमेजिंग यूनिट को हम लोग बाहर निकालते हैं। ये इसका है इमेजिंग यूनिट। चलिए इसको देखते हैं अभी कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है। ये इसका ऑरेंज क्लिप आपको रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद इसके ऊपर एक पेपर लगा हुआ है, प्रोटेक्शन पेपर बोलते हैं इसको। ये इस तरह से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और ये है आपका इमेजिंग यूनिट और ड्रम यूनिट इसको कहते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, ये जो ग्रीन दिखाई दे रहा है वो है ड्रम यूनिट और इसके नीचे है उसको बोलते हैं डीपी यूनिट या इमेजिंग यूनिट या डेवलपर यूनिट, ऐसे नाम से इसको जाना जाता है। ये जगह में लॉक है, इसको रिमूव करना पड़ता है। ये इस तरीके से आप रिमूव करके रख सकते हैं। अभी ये मशीन के अंदर इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करें वो हम लोग दिखाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये टेप जो है निकालना मत भूलिए। इसी तरीके से आप इसका जितना भी आप रिमूव कर सकते हैं। ये जगह पर, इस जगह पे दो स्क्रू है जो डेवलपर यूनिट है उसको जब इंस्टॉल करने के समय ये यूज होता है, इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट प्रोसीजर देखते हैं इंस्टॉलेशन का। तो ये इमेजिंग यूनिट इसके अंदर अभी इंस्टॉल करना है आपकी मशीन के अंदर। तो ये इमेजिंग यूनिट को इंस्टॉल करने के पहले ये राइट साइड का कवर आपको ओपन करना है, उसके बाद फ्रंट कवर ओपन करना है, उसके बाद ये इमेजिंग यूनिट इस तरह से मशीन के अंदर इंस्टॉल करना है। जैसे इस तरह इंस्टॉल होता है, जो ये जो दो स्क्रू थे वो दो स्क्रू को इसके अंदर आपको लगाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक स्क्रू, दूसरा यहाँ पर एक स्क्रू लगाना है। इमेजिंग यूनिट इंस्टॉल करते समय इस कनेक्टर को
आपको भूलना नहीं है इस कनेक्टर को इस तरह से ऐसा आपको ऐसा इंस्टॉल करना है। यह है टोनर कार्ट्रिज। जब भी आप नया टोनर कार्ट्रिज जब इंस्टॉल करते हैं तभी इसको चेक करना है ताकि ये टोनर पाउडर जो है वो जो ड्राई रहता है वो उसका फ्लो हो जाए और अच्छी तरह से मशीन के अंदर सप्लाई हो जाए। ये इसका सील है, ये सील उसका निकलना ना भूले। तो इस तरह से आपको टोनर कार्ट्रिज मशीन के अंदर इंस्टॉल करना है। ये हो गया कंप्लीट टोनर कार्ट्रिज इंस्टॉलेशन। उसके बाद ये डोर बंद करना है, देन डोर बंद करना है। ये अभी सिर्फ मशीन के पार्ट्स मीन्स कॉम्पोनेंट्स, मशीन का टोनर कार्ट्रिज, मशीन का इमेजिंग यूनिट इंस्टॉल करके अभी मशीन रेडी हो गया है। चलिए अभी मशीन को ऑन करते हैं। हम लोग ऑन करने के कुछ नहीं, इसको जस्ट स्टार्ट बटन जो मेन स्विच रहेगा वही वहाँ से आप ऑन कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर भी पावर के का जो एक स्विच है वहाँ पर, इस तरह से मशीन इंस्टॉल होती है, इस तरह से मशीन इनिशियलाइज होती है। ये इनिशियलाइज होने का जो टाइमिंग है वो है अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट। तो 1 मिनट के अंदर ये मशीन रेडी हो जाएगी। इसका मेन ट्रे है, इसको बोलते हैं मेन ट्रे। ये 250 शीट्स का मेन ट्रे आता है। इसके अंदर पेपर समय इस प्लेट को नीचे करना है और ये जो पेपर है इसको इस तरीके से शफल करना है। ये शफल करने से आपका पेपर जाने नहीं होता है। ये इस तरह से ऐसा पेपर रख सकते हो। ये यूनिवर्सल ट्रे है 250 शीट्स। आप इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं अप टू A3 साइज करना है। देन ओके। अभी ये मशीन हो गई आपके कॉपी निकालने के लिए रेडी हो गई है। चलिए अभी देखते हैं कि इसको ऐसे हम लोग कॉपी निकाल सकते हैं। इसमें पहले हम लोग कांच के ऊपर से कॉपी निकालते हैं। इसे रेडी होने के बाद जैसे आपने नीचे जैसे रखा है वैसे आपको कांच के ऊपर भी पेपर रखना है। इस तरीके से हमने पेपर रखा। यहाँ से हम लोग मल्टीपल भी प्रिंट दे सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अगर 10 प्रिंट्स दे दिया और यहाँ से हम लोग स्टार्ट प्रेस किए तो यहाँ पर कॉपिंग का फंक्शन दिखाई देगा। और जो एग्जिट का जो ट्रे है वो नीचे की तरफ है जहाँ से ऑरेंज प्रिंटिंग आ रही है। चलिए देखते हैं अभी A3 साइज प्रिंट A3 साइज अपनी मशीन में से कैसे प्रिंट किया जाता है। तो इस जगह पे जो ट्रे है इसको कहते हैं बाईपास ट्रे या MP ट्रे या ट्रे 1, ऐसा उसको तीनों नाम से जाना जाता है। ये है A3 साइज का पेपर। जैसे हम लोग यहाँ पर A3 साइज पेपर इंसर्ट करते हैं तो ट्रे 1 में यहाँ पर सेटिंग्स मिलेगी, उसको हम लोग चेंज करना है। चेंज बटन के लिए स्टॉप बटन प्रेस करना है। देन पेपर साइज, इसके अंदर पेपर आपको सिलेक्ट करना है A3 साइज, सेव किया। देन पेपर टाइप, जैसे कि ये प्लेन पेपर है तो प्लेन पेपर इसको सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर पेपर सिलेक्ट करना है आपको और यहाँ पर ट्रे 1 A3 साइज होना चाहिए। चलिए अभी इस मशीन में से हम लोग A3 साइज कॉपी करते हैं। A3 साइज कॉपी करेंगे, फुल पेज लोग ग्लास के ऊपर रखिए। उसके बाद यहाँ पर पेपर सिलेक्ट करते हैं, पेपर सिलेक्टेड ट्रे 1 A3 साइज, ये सिलेक्ट किया। उसके बाद जस्ट हम लोग ने स्टार्ट बटन प्रेस कर दिया
तो आप चेक कर सकते हैं, ये बाईपास ट्रे जो एमपी ट्रे कहते हैं उसमें से एक प्रिंट आ रहा है। ये मशीन का मेन जो फीचर है वो है डुप्लेक्स प्रिंटिंग, डुप्लेक्स स्कैनिंग और डुप्लेक्स कॉपिंग। तो डुप्लेक्स के लिए मतलब फ्रंट बैक प्रिंटिंग या कॉपिंग स्कैनिंग के लिए, कॉपिंग करने के लिए फिलहाल हम लोग यहाँ पर रखेंगे पेपर्स, तीन पेपर हमने रखे। उसके बाद इसको वो कहते हैं कि फीडर, ADF ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर या DADF डुप्लेक्स ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। जैसे हम लोग यहाँ पर पेपर इंसर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है पेपर, उसके हिसाब से हम लोग को मल्टीपल अगर प्रिंट चाहिए तो मल्टीपल प्रिंट्स दे सकते हैं, अदरवाइज अगर सिंगल प्रिंट करना है आपको तो इस जगह पे आपको सिंगल प्रिंट भी आप दे सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे मशीन वर्क करती है डुप्लेक्स प्रिंट के लिए। डुप्लेक्स प्रिंट करते समय आपको एक सिंगल वन कर दिया है इस जगह पे, उसके अलावा आपको फंक्शन में जाना है, डुप्लेक्स, और इसके अंदर टू साइडेड बुक टाइप प्रिंटिंग, टू साइडेड 2x2 साइड, ये फंक्शन आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप ये सिलेक्ट करते हो देन बैक, और उसके बाद आप इसको स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे वर्क करता है मशीन। देखिए इस जगह पे आप देख सकते हैं ये 1, 2, 3 फ्रंट बैक प्रिंट हम लोग ने स्कैनिंग के लिए दे दिया, मींस कॉपिंग के लिए, और उसका एक 1, 2, 3 फ्रंट बैक इसका कॉपिंग हो गया। चलिए अभी इस मशीन का अधिक जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। आज हम लोग जो बात कर रहे थे HP लेजर जेट M436NDA, NDA का मतलब होता है नेटवर्क डुप्लेक्स एंड ADF ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। इस मशीन का जो स्पीड है 23 कॉपीज पर मिनट A4 साइज में, 23 ppm CPM भी बोलते हैं उसको। इस मशीन के मेन फीचर्स है प्रिंट स्कैन कॉपी अप टू A3 साइज। मशीन का प्रिंटिंग रेजोल्यूशन 1200 dpi है, मशीन का लाइफ 5 लाख प्रिंट्स है, मशीन का टोनर कार्ट्रिज 12500 प्रिंट्स, मशीन का जो इमेज ब्यूरिट है उसका लाइफ है 80,000 प्रिंट्स, और इस मशीन का लाइफ है टोटली मशीन का जो लाइफ हो जाता है वो लाइफ है 5 lakh prints and 5 years whichever earlier. इस मशीन का approximately cost है 60,000 rupees. ये मशीन आप online buy कर सकते हैं, जो description में दिया हुआ link है वहाँ से आप मशीन buy कर सकते हैं। उसका toner cartridge, उसका imaging unit, drum unit, spare parts सभी इस मशीन का available है। नीचे दिए हुए link के ऊपर बहुत सारे details उसका available है, आप उसके ऊपर जाके व्यू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, प्राइस कंपैरिजन भी कर सकते हैं, और कैसे इंस्टॉल करना है उसकी भी वीडियोस वहां पर आपको मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, आपके दोस्तों को भेजें, आप व्हाट्सएप से भी इसको भेज सकते हैं और सब टाइप से आप शेयर कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो हमारे चैनल को हाईटेक ई शॉप ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। Thank you.